ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी के घर कोई नोटिस आता है उन सिचुएशंस में उस पर्सन को क्या करना चाहिए. गॉट इट? अगर नोटिस आता है तो क्या करना चाहिए, अगर आप नोटिस पे जाते नहीं हो तो उसके क्या बैड कंसिक्वेंस हो सकते हैं, यानी कि अगर हम रिसीव ना करें और नोटिस का जवाब ना दें तो हमें क्या हो सकता है. सो इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक डाउन दिस कंफ्यूजन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस होता है वो सिविल केसेस में आता है मोस्टली एज द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो हमारा लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है, इसलिए हमें कोई भी कार्रवाई करने से पहले नोटिस देता है. तो आप ये बात ध्यान रखिए, जो सिविल केस है उसमें ही नोटिस दिया जाता है. सरल शब्दों में कहें तो कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई आपको जेल नहीं हो जाएगी, बस सिंपल सा नोटिस आया है. तो अब हम नोटिस की बात कर लेते हैं. तो देखो, नोटिस में क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर डेट टाइम पीरियड दिया होता है, यानी कि आपको कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई आपको नोटिस आया है, तो आपको क्या है, वहाँ पे डेट होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा, वहाँ पे आपको पेश होना है. बट नोटिस दो तरह के होते हैं, एक तो आपको बुलाया गया है, यानी कि आपको कुछ पेश होने के लिए आपको बोला गया है. दूसरा होता है आपको रिप्लाई करने वाला, यानी कि सपोज आपके कब्जे में कोई ज़मीन है तो आपको नोटिस आया है किसी चीज़ का, तो आपको उसका रिटर्न स्टेटमेंट बनवाना चाहिए, यानी कि उसका आपको जवाब बनवाना चाहिए किसी वकील से या किसी अच्छे पर्सन से, आपको उसके रिप्लाई बनवाना चाहिए. गॉट इट? अब हम बात करेंगे कि आप अगर आप किसी का नोटिस रिसीव नहीं करते हो या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाते तो उसके क्या बैड कॉन्सिक्वेंस होते हैं. तो देखो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है, भाई एक्स पार्टी डिसीजन दे देती है, यानी कि एक पार्टी ने किसी को नोटिस दिया, वो उस डेट पर नहीं आया. गॉट इट? नहीं आया, अगली डेट दी उस पर भी नहीं आया, थर्ड डेट दी उस पर भी नहीं आया. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है, जिस पार्टी ने वो नोटिस भिजवाया था उसके खिलाफ उसके फेवर में डिसीजन दे देती है, यानी कि आपके खिलाफ वो डिसीजन चला जाता है, वो एक्स पार्टी हो जाता है, यानी कि एक तरफा. हालांकि इसको हमें सेट असाइड करने के लिए हमारे पास प्रोविज़न है लॉ में, बट वो ये है कि आपको लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा. तो आप ध्यान रखें कि कभी भी आपको कोई नोटिस आता है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको रिसीव कीजिए. अगर कहीं पेश होने का है तो आप उस पर पेश होइए, अगर वो रिप्लाई वाला है यानी कि आपसे कोई जवाब मांगा है तो आप उसको रिप्लाई दीजिए. गॉट इट? सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. बाय.